हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और रात के 2 बजे शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ का हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू स्टडी इन इटली, जिनका वीज़ा लग चुका है या फिर जिनका ऑलरेडी वीज़ा है और जिनके पास ऑलरेडी रेसिडेंस परमिट है बट स्टिल वो ट्रैवल बैन की वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, मई से ही ये ट्रैवल बैन स्टार्ट हो गया था और हम लोग अपडेट का वेट करते जा रहे थे, हर मंथ 30th का वेट करते थे कि अब कुछ अपडेट आएगी, बट अपडेट कुछ नहीं आती थी, सिर्फ ट्रैवल बैन एक्सटेंड होता रहता था। इस बार आई रियली हैव पॉजिटिव होप्स और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था कि यार सितंबर इंटेक है तो उसकी वजह से जो ट्रैवल बैन रिमूव कर दिया जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट्स इटली ट्रैवल करना चाहते हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं बट फ्रॉम कंट्रीज इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। अभी तक मेरे पास पाकिस्तान की कोई अपडेट नहीं आई है। तो रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, एक्चुअली दोस्तों पहले क्या हो रहा था, इटालियन सिटीजन्स को देवर अलाउइंग बट इंडियन नेशनैलिटी या कोई अदर नेशनैलिटी को नहीं अलाउ कर रहे थे। तो अब एनी नेशनैलिटी कैन ट्रैवल टू इटली बेस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 रीजन के लिए। पहला रीजन तो है स्टडी रीजन और सेकेंड रीजन है जिनका भी ऑलरेडी वहां पर रेसिडेंस है, रेसिडेंस परमिट है, अगर वो ट्रैवल बैक करना चाहते तो इन 2 केसेस में ही आप अभी जो है ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भैया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है अपने कंडीशंस तो लगानी है। तो दोस्तों अभी तक मुझे वैक्सीन से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई है, तो वैक्सीन की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसकी जो है, आपको नेगेटिव स्वैब टेस्ट कराना पड़ेगा विदिन 72 आवर्स प्रायर टू एंट्री। जब आप फ्लाइट बुक करेंगे, आपकी फ्लाइट रहेगी विदिन 72 आवर्स पहले आपको स्वैब टेस्ट कराना रहेगा। सेकेंडली, आप जैसे ही लैंड करेंगे इटली में उस टाइम पर भी आपका स्वैब टेस्ट होगा। दोस्तों जब मैं इटली से इंडिया आ रहा था तो पहले तो मैंने इटली में भी टेस्ट कराया था और जब मैं दिल्ली पहुंच गया था तो वहां पर भी मेरा टेस्ट हुआ था। तो ऐसा आपको सेम अब मिलेगा, आपको यहां पर भी टेस्ट कराना रहेगा और वहां पर भी टेस्ट कराना पड़ेगा। और अगर आप पूछते कि यार टेस्ट के प्राइजेस क्या होते हैं, तो ये अराउंड 60 यूरो से लेके 80 यूरो तक जा सकते हैं। अगर इंडियन रुपीज में कहे हम तो इट वुड बी अराउंड 5,000 to 8,000 rupees। नाउ द थर्ड रिक्वायरमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका जो वहां पर इटली में जो टेस्ट होता है उसमें अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आपको 10 डेज का सेल्फ आइसोलेशन पीरियड में रहना पड़ेगा, जो कि आप अपने एकोमोडेशन पर रह सकते हैं। और जैसे ही आपका सेल्फ आइसोलेशन पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद आपको फिर से एक स्वैब टेस्ट कराना पड़ेगा। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो कि सही है। बट इसमें यस यू कैन इजीली ट्रेवल और सेल्फ आइसोलेशन का बोला है तो ये बहुत सही है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव आते हो दोस्तों तो उस केस में आपको फिर इटालियन हेल्थ अथॉरिटी के वहां पर ही रहना पड़ेगा और उसका चार्ज कुछ ज्यादा हो सकता है, लाइक मुझे जहां तक पता 100 यूरो पर डे का रहता है। तो आप जब अगर नेगेटिव या आपको जुकाम है या सर्दी है तो प्लीज डोंट ट्रेवल एट दैट टाइम, अदरवाइज बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। So guys, this is the update which we have received from Ministry of External Affairs Italy की तरफ से। आप इसका लिंक इंफॉर्मेशन का जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और दोस्तों जहां तक हम इंडियन वैक्सीनेशन की बात करें, तो अगर आप लोगों ने कोई वैक्सीन नहीं कराया है तो इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, इसकी कोई अपडेट नहीं आई है। अगर उनको वैक्सीनेशन चाहिए होता तो वो शायद रिक्वायरमेंट में लिख देते हैं। और सेकेंडली, अगर आप मुझसे रिकमेंड करते हैं फिर भी यार कि वैक्सीनेशन कौन सी लगवाए, तो आप लोग जो है कोविशील्ड लगा सकते हैं एंड वेन एवर यू रीच इटली वहां पर भी आप जो है 2 डोजेज ले सकते हैं वैक्सीन के, जिसके थ्रू आपको वहां पर ग्रीन पास मिल जाएगा और उसके थ्रू आप यूरोप में ट्रेवल कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का वीजा लग चुका है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, नाउ यू कैन ट्रैवल टू इटली। और जो भी रेसिडेंस परमिट जिनके पास ऑलरेडी है, मेरे दोस्त काफी जो फ्रेंड्स है वो स्टक हो गए थे, वो भी अब ट्रैवल कर सकते हैं, मैं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। तो इट्स अ रियली गुड न्यूज एंड थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए विदाउट फेस जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो, इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आती है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक इट। सो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा जो भी स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं इटली का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ गुड डे, हैप्पी जन्माष्टमी।